हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, आपके जो बाल हैं वो एकदम से रफ हो चुके हैं, रूखे हो चुके हैं, दो मुहे हो गए हैं आपके, जो बालों की चमक है वो चली गई है, रफ हो चुके हैं आपके बाल एकदम से, बहुत ही ज्यादा झड़ रहे हैं और आपके जो बालों की लेंथ है वो रुक गई है, बाल एकदम से चिड़िया का घोंसला है वो हो गए हैं, जरा से भी हवा आती है तो आपके बालों को बिखेर के चली जाती है। दोस्तों, इतनी सारी समस्या है तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम बनाने वाले एक ऐसा हेयर मास्क जो आपके बालों की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। तो दोस्तों, इस हेयर मास्क को कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीजें लेना है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और हाँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं पपीता और बनाना मतलब केला हेयर मास्क। पपीता में पाया जाता है पपाइन नामक एक ऐसा एंजाइम जो आपके बालों की लेंथ है उसको बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मददगार करता है, और केले में पाया जाता है फाइबर और B6 जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देता है। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पपीता और केला का जो हेयर मास्क है वो बनाने वाले हैं, और उसके साथ हम मिलाएंगे यहाँ पे जो हनी है वो और नींबू मिलाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको किस तरीके से बनाना है वो जान लीजिए। आपको लेना है पपीता आपको पका हुआ लेना है, बिल्कुल कच्चा आपको पपीता नहीं लेना है, जितना ही आपका पका हुआ पपीता होगा उतना ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आपको लेना है पका हुआ एकदम से पपीता, और उसको आपको स्पून की सहायता से अच्छे से निकाल लेना है, जो उसका पल्प है वो अच्छे से निकाल लेना है। आप इसको डालना है मिक्सर ग्राइंडर जार में, और डाल के आपको अच्छे से जो प्योरी है जो पेस्ट है वो आपको बना लेना है, और इसी तरीके से आपको केले का जो पेस्ट है वो भी बना लेना है। तो दोस्तों, प्योरी आपको इस वजह से बनाना है ताकि अब जब आप अपने बालों में अप्लाई करेंगे तो कोई भी गुठलियां आपके बालों में ना रह जाएं। और आपको अपने बालों की लेंथ के अनुसार ही लेना है, जितनी आपके बाल लंबे हैं या आपके बाल जितने भी छोटे हैं आप उसी अकॉर्डिंग से लीजिए। मैं यहाँ पे अपने बालों की लेंथ के अनुसार ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कटोरी पपीता, और आधा कटोरी मैं यहाँ पे डालूंगी जो केला है उसका जो पल्प है वो मैं डालूंगी। तो 1 कटोरी पपीता हो गया, और आधा कटोरी जो केला है वो मैंने डाल लिया है, और आधा नींबू है उसको अच्छे से निचोड़ देना है। 2 चम्मच भर के आपको मिलाना है शहद, और ये आपका जो हेयर मास्क है वो पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो हाथों की मदद से या आप चाहें तो ब्रश की सहायता से अपने बालों पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लीजिए। तो ब्रश की सहायता से या हाथों की सहायता से अच्छे से आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है। याद रखना, अपने पूरे बालों पर अप्लाई करना है, कहीं भी छोड़ना नहीं है। बहुत ही अच्छे से बालों की लेंथ पे और बालों की जो जड़ों हैं उनमें बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है। इसको अप्लाई करने के बाद 30 मिनट मतलब आधे घंटे के लिए आपको यूं ही छोड़ देना है। आप चाहें तो इस पे कोई कैप लगा लीजिए, या पुरानी जो टॉवल है वो आप लपेट सकते हैं, या आप चाहें तो कुछ ना लगाएं क्योंकि कभी कभी टपकती रहती है, इस वजह से अगर नहीं आप लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आधा घंटा हो जाने के बाद आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, और अगर एक आध जो गुठली है वो आपके बालों पर रह जाती है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छे से बालों को सुखा लीजिए, और जब आप कंघी करेंगे तो आपके बालों से एक एक जो गुठली है वो साफ हो जाएगी। दोस्तों, धुलने के बाद जब आप वॉश करेंगे अपने बालों को तो आप फर्क खुद से महसूस करेंगे, और आपको वीक में कम से कम एक बार इस हेयर मास्क को जरूर अप्लाई करना है, और कुछ ही दिन में जो आपके बाल हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा सिल्की शाइनी और लंबे हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा है आज का वीडियो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस हेयर मास्क को आप अपने ऊपर जरूर अप्लाई करें, और क्या रिजल्ट आता वो मुझे जरूर बताएं। कैसा लगा है आज का वीडियो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।